विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुनेक्षीण होने पर मर्त्यलोकम विशन्ति, मृत्युलोक में प्रवेश पाते हैं। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्नाः, ऐसे तीन धर्मों की अनुकरण करता गता गतम काम कामा लभन्ते, भूत भविष्य कामे कामनाओं का लाभ पाते हैं। ते तम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा पुनेक्षीणे मर्त्यलोकम विशन्ति। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते भावात् वे त्रैविद्या ज्ञाता ब्रह्मावत्स, उस 2500 वर्षीय विशाल उत्तरायणी स्वर्गलोक को भोगकर पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग कृत यज्ञ सेवा के पुण्यक्षीण होने पर 2500 वर्ष के दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलियुगी नरनिर्मित नारकीय मृत्युलोक में अपने दुष्कर्मों से ही प्रवेश पाते हैं। ऐसे ब्राह्मण सो देवता और क्षत्रिय इन तीन धर्मों की विधाओं के अनुकरण करता पुरुषोत्तम संगम युग में भूत भविष्य संबंधी कामे कामनाओं का लाभ सत्य सनातन धर्म में ही पाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप अभी आते हैं संपूर्ण स्वर्गवासी बनाने के लिए, तो इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस कराई जाती है। स्वर्गवासी बनना है तो संपूर्ण स्वस्थिति को प्राप्त करना है, स्वस्थिति में टिकना है। बाबा जानते हैं ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी अभी तीनों वंश की स्थापना हो रही है। सूर्यवंशी सतयुग में होंगे, चंद्रवंशी टोटल त्रेता में होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण पढ़ाई पढ़ने पढ़ते हैं ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं। तो ब्राह्मण वंशी कहे जाते हैं, ब्राह्मणों फिर नौ कुरियां गाई जाती हैं, उनमें चंद्रवंशी सूर्यवंशी इस्लामवंशी बौद्धवंशी नौ प्रकार के कुल हो जाते हैं। सूर्यवंशी के लिए नहीं कहेंगे कि जीत नहीं पाई, चंद्रवंशी के लिए कहेंगे यह फेल हुआ, जीत नहीं पाई, इसलिए उनको क्षत्रिय के निशानी लगा दी है। अभी तुम सात क्षत्रिय हो, माया से युद्ध करते करते हार जाते हो, तो क्षत्रिय हुए ना। फिर आखिर इन माया पर जीत भी पाते हो, जीत पाने वाले भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जीत पाते हैं तो सूर्यवंश में चले जाते हैं। जो कम मार्क्स से पास होते हैं उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। कम से कम 33% मार्क्स। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो ज्ञान की, फिर आधा कल्प बाद रावण राज से भक्ति मार्ग शुरू होता है, उनकी निशानियां भी कायम है। विकार में जाते हैं फिर देवताएं तो उनको कहेंगे नहीं, कैसे वो विकारी बनते हैं दुनिया में ये कोई भी जानते नहीं। शास्त्रों में भी लिख दिया है देवताएं वाम मार्ग में गई, कब गए
ये तो कोई को पता ही नहीं है। कब गए हैं? अरे कब गए देवताएं बाम मार्ग में? दापरी में। अच्छा कलयुग में नहीं गए? देवताएं थे कब? सतयुग त्रेता में देवताएं होते हैं वास्तव में। जिन देवताओं को पढ़ाई पढ़ाई गई और पढ़ाई पढ़ने के बाद भूले, वो देवताएं सतयुग में थे या संगमयुग में होते हैं? संगमयुग में देवताएं देव आत्माएं ही पढ़ाई पढ़ती हैं, और पढ़ाई पढ़ते पढ़ते शूटिंग पीरियड में फिर भूल जाती हैं, क्योंकि पापों का सौ गुना बोझ चढ़ता है। तो सौ गुने बोझ से दुनिया सारी हावी हो जाती है, बुद्धि दब जाती है। तो शास्त्रों में जो बातें लिखी है कहाँ की यादगार लिखी है? संगमयुग की यादगार शास्त्रों में लिखी है कि देवताएं बाम मार्ग में गए। बाकी द्वापर युग की यादगार नहीं लिखी है कि बाम मार्ग में गए? तो कब गए ये समझते नहीं है। ये सभी बातें अच्छी रीत समझने समझाने की हैं। अगर बाम मार्ग में देवताएं न जावे तो दुनिया का पतन होगा? पतन की शूटिंग कहाँ से होती है? उत्थान की शूटिंग भी यहाँ होती है, तो पतन की शूटिंग भी यहाँ होती है। जितना जितना आत्मा पवित्र होती जाती है, दृष्टि भी ऊंची हो जाती है, वृत्ति भी ऊंची हो जाती है, वाचा भी ऊंची, और कर्म इंद्रियों से किए हुए कर्म भी ऊंचे हो जाते हैं। उनको कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। ऐसा तुम्हारा राज्य था तो अब फिर स्थापन हो रहा है। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम कैसे पावन बनेंगे। क्योंकि पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। जो अब तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं, बाप ने तुमको स्मृति दी है, कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे। फिर 84 जन्म लेते लेते आधा में आए तुम विकार में गिरे, तो विशेष बनने लगे और आधा कल्प विशेष रहे। अभी फिर तुमको वाइसलेस सतोप्रधान बनना है।